it is the height of the thing what should i consider dishonesty why your sp has no courage to say that this statement was made by the government advocate without any instructions sir mai gaya tha hath jode unhone keh diya hame nahi malum mai wapas aa gaya that is the end of the matter is it expected from the investigating officer आपको श्रम नहीं आती है पुलिस डिपार्टमेंट को किसी भी लेडी को कोई भी करेक्टर का टैग देने के लिए पर मैंने जानबूझकर नहीं लिखा था What is your comment about this? आप लोग अपनी नौकरी गंवाने के लिए तैयार रहते हैं सर व्हाट इज योर कमेंट अबाउट द स्टेटमेंट मेड बायर टी आई कैंट ऑन थ्री फाइव ट्वेंटी फोर आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इनकॉम्पिटेंट है राइट right? आपने उसके बारे में क्या कमेंट किया है हम लोगों को नौकरी नहीं करनी है सब ऑर्डिनेट्स को बचाने के चक्कर में आप लोग को नौकरी नहीं ऑन द स्टेटमेंट गिवन बाई द्री बाय ट्वेंटी ट्वेंटी 2024 विच इज अवेलेबल ऑन दू YouTube ऑल्सो आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ अपलोडिंग ऑफ ऑल दोसिडिंग ऑन यू ट्यूब इन फैक्ट इट इज प्रोहिबिटेड अंडर द लॉ राइट एक तो आप उनके खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे जो यूट्यूबर्स अननेसेसरली प्रोसीडिंग्स अनोसीडिंग करके अफसरों को या किसी को भी बेलाइन कर रहे हैं कोई बात नहीं, नहीं तो नहीं। कोई बात नहीं कोई बात अच्छा है आप लोग यूट्यूब नहीं देखते हो सर अच्छा है जो इलीगल है तो आप क्यों देखेंगे नो प्रॉब्लम ऑर्डर शीट तो देखोगे कि नहीं देखोगे वो क्या लिखा आपने तीन पांच को आपने ऐसी डिस्टॉर्टेड पिक्चर क्यों बनाई है कि सर हम तो इन्वेस्टिगेशन सब कर रहे थे जबरदस्ती कोर्ट ही परेशान हो रही है सर, उस डायरेक्शन में वन थ्री डबल सॉरी नाउ आस्क योर एस्पी टू रिमीन प्रेजेंट इट इज द हाइट ऑफ द थिंग इट इज द हाइट ऑफ द थिंग इट इज द हाइट ऑफ द थिंग व्हाट शुड आई कंसीडर डिसऑनेस्टी व्हाट डू यू वांट आई शुड प्रमोट डिसऑनेस्टी

हमने सर गए थे सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया किसी ने कुछ नहीं बताया हमने हाईकोर्ट में आके कह दिया सर हम नहीं पता कर सकते इज इट द कॉम्पिटेंसी ऑफ एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यू टू यू वॉन्ट टू सच ऑफिसर्स इन योर पुलिस डिपार्टमेंट वॉट एवर वॉट अबाउट योर एस पी ना आई हिम टू द टास्क ही हिमसेल्फ इज ट्राइंग टू मिसलीड द कोर्ट बाई प्रोजेक्टिंग नो नो सर वी आर गोइंग एड विद द इन्वेस्टिगेशन और उसने तीन पांच के बाद के इन्वेस्टिगेशन को क्लब किया है विद द प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन आफ्टर विच योर आई यू पाएंगे शुड आई रीड आउट थ्री फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आप लोग नहीं पढ़ते हैं मैं पढ़ता हूँ the... सुन लीजिए सर इट इज सबिटेड बाय श्रीमती जॉर्ज दुलिस इज अनेबल टू लोकेट बायोलॉजिकल फादर ऑफ द फिट बिकॉज द गर्ल इज नॉट कोऑपरेटिंग विद इन्वेस्टिगेटिंग न स्वप्निल गांगुल जी इसके अलावा भी कुछ बोला गया था लेडी के लिए आपको श्रम नहीं आती है पुलिस डिपार्टमेंट को किसी भी लेडी को कोई भी करेक्टर का टैग देने के लिए पर मैंने जान बूझ नहीं लिखा था शुड आई रिपीट इट इन दर्ट वॉट वॉज सेट बाई अबाउट द करेक्टर ऑफ द गर्ल आपको मालूम है ना क्या बोला गया था जिस बताइएगा सर इज वर्किंग so other... वो दिल्ली घूमती थी सर राइट right? इसलिए हम नहीं ढूंढ पाएंगे we... इसलिए हम फॉरगेट अबाउट नाउ यू वॉन्टेड दिस इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर इन योर पुलिस डिपार्टमेंट दैट इज माई क्वेश्चन आप कहिएगा सर मुझे इनकॉम्पिटेंट आदमी से पसंद है इट इज नॉट माई हेड टू इंप्रूव दिपार्टमेंट मेक अ स्टेटमेंट आई विल रिकॉर्ड इट एंड ड्रॉप द प्रोसिडिंग्स गांगुली जी मेक अ स्टेटमेंट दैट यू वॉन्ट एन इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिसर इन योर पुलिस डिपार्टमेंट एट द कॉस्ट ऑफ द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री I will immediately stop, drop the proceedings. अगर आप जो मुझे बार बार प्रोजेक्ट करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्लीज स्पीक इन दी प्लीज स्पीकिफिकॉटिटेट इन डिक्टेटिंग ऑफ पुलिस दैट ही इज अप्पी विदिटेंट ऑफिसर इन टीम नथिंग एल्स इज रिक्वाड

स्टेटमेंट सॉरी सर आई एम आई एम लीज कमेंट मेक अ स्टेटमेंट कि हमें नाकबिल आई चाहिए बोल दो हमें अभी ड्रॉप कर देता हूं अगर डिपार्टमेंट को नाकाबिल आदमी चाहिए तो ठीक फाइन मेरा सर दर्द है क्या लॉ एंड ऑर्डर को मेरे मैंने देखना है क्या आपके डिपार्टमेंट को मैंने सुधारना है क्या मेक अ स्टेटमेंट Whatever you are trying to project, please say it in, in the black and white. Not, okay. Or should I pass a comment against your officer? Should I pass a comment against your superintendent of police or else make a specific statement that you don't want a competent person in your team? Otherwise, you have projected that you don't want competent officers in your team. And

अगर आप इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर्स से बहुत खुश हैं देन विल कास्ट एनी क्वेश्चन टू द कोर्ट एवरी क्वेश्चन विल बी टू द पुलिस डिपार्टमेंट इफ यू आर हैप्पी आई एम मोर देन हैप्पी आप हमारी तो सुनते नहीं है जब जनता पूछेगी तो तब बताना आप जवाब देना ठीक बता दीजिए बता दीजिए ना क्या अरे आई एम लीज बिपरेशन सर स्वप्निल गी मुझे आपके एम्प्लॉयर से क्या लेना देना सर, है मुझे आपके डिपार्टमेंट से क्या लेना देना है हम खुद ही चाह रहे हैं आप खुद ही चाह रहे हो ना ये आपका एसपी है ये लिख रहा है सर ये लास्ट में सर आपने तीन पांच के स्टेटमेंट के साथ तीन पांच क्यों किया एक डेट है दूसरा मुहावरा है <laughs> अब मैडम को भी बुला लिया गया जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था मैडम को भी बुला लिया गया जो स्टेटमेंट दिया था मैडम वेदर दैट स्टेटमेंट was ऑन द instructions ऑफ द आई यू और नॉट और आपको कितनी मुश्किल से मैंने चुप कराया था नहीं आप बोल दो कि स्टेटमेंट उनके उनके बिहार पे नहीं था <laughs> मैडम ये देखे इसके साथ मैंने एक मैडम वो लड़की दिल्ली में पता नहीं कहां का घूम के आई है ये, ये भी स्टेटमेंट था आपका मैंने वो जानबूझ कर नहीं लिखाया था मैडम एक चीज और याद दिला दू आप ही ने बताया था कि इसका यूट्यूब के ऊपर बड़ा वायरल हो रहा है जो आपकी बहस हुई थी उस दिन इलीगली so, ही सही आपका रिकॉर्डेड चल रहा है वो वेदर इट वाज़ ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द अरे आप शांत रहो मेरे भाई अरे आप शांत तो रहो नो आई एम नॉट अगेंस्ट यू आई एम अगेंस्ट दिस्टम विच प्रमोट द इनफिशियंट ऑफिसर्स लेट एम से पब्लिकली वी वॉन्ट इन एफिशियंट ऑफिसर्स इट इज नॉट माई हेड एक

तब तो तो हमने इन्वेस्टिगेशन किया है uh, मैं लिखूं? नहीं लिखूल we'll आप लिखेंगे अब तो, आप, आप मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे उस आदमी को तुरंत रिवोकेशन भी चाहिए बस इतना बोल दो हमें इनएफिशिएंट आदमी चाहिए अपने टीम क्या नहीं कर तो आप वही रहे हो तो, आप तो अपने इनएफिशिएंट ऑफिसर्स को बचा रहे हो नो no प्रॉब्लम यार इट इज नॉट माय हेड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ेगी पत्थरबाजी आप पे होगी मेरे ऊपर नहीं होगी ना मेरे किसी जज के ऊपर होगी आपको लोगों के कोपभावन से बचाने का एक छोटा सा प्रयास किया था क्योंकि आपको मैंने पुलिस ऑफिसर के तौर पे नहीं एक समाज के मेंबर के तौर के ऊपर आप नहीं चाहते हैं कोई बात नहीं मेक अ स्टेटमेंट ना जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो प्लीज से इट इन ब्लैक एंड व्हाइट आई विल इमीजिएटली ड्रॉप और ना ड्रॉप करूं तो फिर आप मेरे से कहना कि साहब आपने तो कहा था कि ऐसा अगर व्यू है तो बता दो तो हम ड्रॉप कर देंगे और आप ड्रॉप ड्रॉप नहीं कर रहे हो एंड आई विल नॉट मेक एनी कमेंट मैं सिंपल एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करूंगा एंड इमीजिएटली ड्रॉप दिस प्रोसीडिंग मेक ए स्टेटमेंट और आपको थोड़ी कह रहा हूँ आपके एस पी को ही पूछ रहा हूँ अब मुझे ये लगा कि अब आपके एसपी के थ्रू को आपके थ्रू पूछूं कल को कहते हैं मैंने बोला नहीं था बेटर यह कि उसको बुला लेते भैया तू ही बता दो यार तुम्हें इनकॉम्पिटेंट आदमी चाहिए बहुत अच्छी बात है सो दैट आई कैन राइट कि भाई इट वॉज अ स्टेटमेंट बाई दिस पर्सन और एंड उसका अपियरेंस आपके प्रोडक्शन के लिए गौगुली जी आ, नहीं। अब आप ये बताइए कि आज मैडम क्यों परेशानी इस क्वेश्चन मार्क में आ गई कि वेदर इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑन अगर आइयो का हमने बुला लिया होता तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं होता आप भी चाहते हो ऐसी परेशानी में है तो बुला लो ना इनको मैं मंडे को लगा देता हूँ उनसे पूछूंगा ना वो कहेंगे सर हम मुझे इनकॉम्पिटेंट आदमी चाहिए है तो साहब ठीक है और या फिर अपने एफिडेविट को एक्सप्लेन कर देंगे सर कि तो क्यों ये डेलीबरेटली मिसलीड करने की कोशिश की गई है अब आपके डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो यहीं से दिख रहे हैं तो डी तो कुछ नहीं करना है वाइट है नहीं सर, डी तो, सर, अरे बकवास है वो सर, आई वॉश है सर प्लीज सर, जब आपके अफसर की इतनी हिम्मत पड़ गई कि हाई कोर्ट में उसी बेंच के सामने जो पूरा डील कर रही है मिसलीडिंग स्टेटमेंट कर सकता है आप क्या कहते हैं कि वो अफसर क्या आपके आई सर, डी करेगा मुझे आई वॉश नहीं कराना

लैंड डिफिकल्टी अब आप ये बताइए ना तो वाई मैडम तो शुड फेस सच सिचुएशन। वॉट तो पर्सनल इंटरेस्ट शी हैड उसके लिए तो उस दिन वो इतना अड़ गई कि मुझे जबरदस्ती चुप कराना पड़ा आई कैन टेल यू विद ऑल सिंसियरनेस शी वट सो ऑनेस्ट टू वट्स द इंस्ट्रक्शन गिवन बाई दी आई हो

मैं इसको डेढ़ बजे ले रहा हूं मेक अ स्टेटमेंट मुझे और कुछ नहीं चाहिए मैंने एक ही चीज पूछनी है तो उनको बता दो कि क्वेश्चन एक आएगा कि आपको इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर्स चाहिए कोर्ट विल ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स और अगर नहीं चाहिए फॉर द ब्लंट ब्लंट क्वेश्चंस कि आपने मिसलीड करने की कोशिश क्यों की है है ना चलो सवा दो बजे ले लेंगे थोड़ा सा आपको भी तो समझाने का समय मिल जाए आप बड़े पीठ ठोक रहे हो अब हम लोग उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं बेटी की हम लोग वो कर रहे हैं हम लोग वो कर रहे हैं और कोर्ट के सामने खाद खड़े कर दिए थे कि हम नहीं ढूंढ सकते हैं उसके बारे में कुछ नहीं अब हमने उसको परिवार से अलग कर दिया है अब हमने वहां रख दिया है हम कितने अच्छे लोग हैं और अच्छाई कहां से आई मजबूरी से कैसी मजबूरी से वो नहीं बताएंगे अरे पेपरों में मत छपवाओ कम से कम कोर्ट को तो बताओ नहीं कि आप नहीं होते तो सर ये कुछ नहीं करते नहीं क्योंकि वो पब्लिक तो ऑर्डर है पब्लिक तो डॉक्यूमेंट है, है आपका एडमिशन आपके गले फंस जाएगा तो अपनी पीठ सब तपाएंगे तब तपा लीजिए नो प्रॉब्लम हमने थप थपा दी तो फिर क्या होगा महंगी बी रेडी टू मेक ओनली टू स्टेटमेंट्स दैट हीस एवेल ड्रॉप विदाउट पुटिंग एनी क्वेश्चन और एल्स इफ इज नॉट रेडी टू मेक दैट स्टेटमेंट बी रेडी टू एक्सप्लेन द्लंट क्वेश्चन ऑफ द कोर्ट मैंने इसलिए कहा था फिजिकल सर सुनिए 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 सुन दीजिए मैंने इसलिए कहा की नहीं सर, सर, सर अब आप चाहते हैं कि वीसी से ऑडियो चालू ही रखें तो रखेंगे सर, सर मंडे को नहीं आप कुछ नहीं मंडे आ अब नहीं कुछ नहीं सर सवा दो बजे वी के थ्रू मंडे आ रही सवा दो बजे वीसी के थ्रू सवा दो बजे वीसी के थ्रू अपनेल so, all... जी अब आप जानो नो सॉरी जी दुख इस बात, पनेली, 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 इस बात का है डिग्निटी ऑफ एन ऑफिसर स्टिल दे आर डिकेटिंग इस हम तो नहीं आ सकते बी सी से मंडे मॉर्निंग i'll keep monday morning acha kar lo na monday morning i'll keep nahi chahiye sir marana that sir abhi supreme court ka order bhi aaya hai na whenever the aisa mujhe ye bataiye what is the latest uh, dictation by the uh, judgment by the supreme court if the presence of an officer is required then at least a stand should be through video conferencing right i'll keep marana i'll keep him present on that सर, article 141 says i will i will hearing through video conference marana bhai

अच्छा मतलब अब जो है हम like जो है आपके ऑफिसर्स के तो पे मैंने जब आप I'll, I'll present, जी जब I'll हमने I'll... कुछ सोच के कुछ सोच के हमने आपसे कहा था तो आपको लगा कि नहीं हार्श है हमको तो थो थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए पर आपको ये नहीं मालूम था कि सॉफ्ट ऑप्शन ज्यादा हार्श है अब आप लोग नहीं समझते तो मैं क्या कह रहा हूँ लो सर स्वाद हो

स्वप्निल जी स्वप्निल जी हम लोगों ने भी जब वीडियो देखते हैं बहुत बुरा लगता है, है। सुनिए मेरी बात बहुत बुरा लगता है कि किसी भी ऑफिसर को बेजती करने के लिए नहीं बुलाया जाता क्योंकि उसके सबॉर्डिनेट्स नाकामी नाकाम नाकामयाब रहे हैं इसलिए कुछ क्वेश्चंस क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है और जब वो गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है सोशल मीडिया में तो हमको आई ऑलवेज फील हर्ट कि यार इसके लिए बुलाया था क्या why all these things are going on in social media when when the intention of the court their reasons and the history behind the summoning of an officer is not known to anybody kya hua kyun bulaya gaya kisi ko pata nahi hai और वो ऑफिसर को क्या बेइज्जत करने के लिए बुलाया जाता है तो वो घटना किसी को पता नहीं रहती कि कैसे प्लेयर अप हुआ लेकिन इसीलिए 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 इसी मेरे पास जो रिस्ट्रिक्शन है मैं चाहूँ तो किसी लाइव टेलीकास्ट को रोक सकता हूँ और हम अगर आप रिक्वेस्ट करें तो हम इमीडिएटली रोक देते हैं मुझे उसका रिपोर्क मालूम है जस्ट फॉर मेंटेनिंग द डिग्निटी ऑफ एन ऑफिसर अगर हमको लगता है यार बी वीस, सी से थ्रू में चूंकि ऑडियो चालू रहेगा ये चीजें थोड़ा सा क्लियर अप होंगी जो अच्छी नहीं है तो इसको चलो फिजिकली सुन लेंगे ताकि अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम ऑडियो स्विच ऑफ कर देंगे बिकॉज आई हैव अ डिस्क्रिप्शन अंडर रूल्स। आपको वो हमारा डिस्क्रिप्शन पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं सर, पसंद चलो आप दो बजे ही से शुरू कंसीडर